खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। यूपी में हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। पुलिस ने यूपी में 498 लोगों की पहचान की है। यूपी के सूचना जनसंपर्क विभाग ने यह लेटर जारी किया जिसमें दिया गया है कि किस जिले में कितने लोगों की पहचान हुई। लखनऊ में 82, मेरठ में 148, संभल में 26, रामपुर में 89, फिरोजाबाद में 13, कानपुर नगर 50, मुजफ्फरनगर में 73, मऊ में 8, बुलंदशहर में 19 लोगों की पहचान की गई। पुलिस अब इन आरोपियों से जुर्माना वसूलेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, करीब 500 लोगों के आसपास पहचान की गई है, उपद्रवियों के तौर पर, शरारती तत्वों के तौर पर, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और सरकार ने अपने सख्त तेवर पहले ही दिखाते हुए यह जाहिर कर दिया था कि किसी भी शरारती तत्व को खुली छूट नहीं दी जाएगी, उन्हें कानून के दायरे में लिया जाएगा।